हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें पढ़ना है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 3.8, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इसके पहले हमने जो बात की थी वो की थी सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 3.8, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इसमें स्पेशली हम बात करेंगे आज ओनली लिंकेज के बारे में। ओके, तो क्या होता है लिंकेज? इट इज़ नोन फैक्ट दैट सेवरल जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। ये पता है कि ढेर सारे जीन्स रहते हैं जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहते हैं। यस, सो सेवरल जीन्स रहते हैं और वो सेवरल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम पे। एज द क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ द हेरिडिटी, पता है क्रोमोसोम एक वाहक है, कैरियर है हेरिडिटी का। दिस जीन्स हैव टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर, दिस जीन्स हैव टेंडेंसी टू इनहेरिट टुगेदर। ओके, सच अ जीन्स कॉल्ड एज लिंक जीन्स। अब इसका मतलब समझिएगा प्रॉपरली। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा, अगर यहाँ पे ये है CHR, दैट इज़ क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स रहेंगे। ये जीन्स है जो आपको क्रोमोसोम के ऊपर नज़र आ रहे हैं। गॉट इट? ओके, अब इनको मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँगा, लेबलिंग करूँगा। जैसे मैंने कहा कि ये है क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम है जनरेशन वन का क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर जो जीन्स है वो है ए बी सी डी और ई। ये जीन्स है एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाएगा, ओके, सो ट्रांसफ़र। तो ये जब क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम जनरेशन वन टू नेक्स्ट जनरेशन, अब वो नेक्स्ट जनरेशन में जा चुका है ये क्रोमोसोम्स, CHR क्रोमोसोम। ये है जनरेशन टू, पता ना, मतलब हम इसे कहेंगे एज अ पेरेंट्स, और ये है ऑफस्प्रिंग, दैट्स वी कॉल एज प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी। सो ये जनरेशन के साथ क्रोमोसोम भी ट्रांसफ़र हुआ है, वही क्रोमोसोम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसे क्रोमोसोम ए, तो ये भी है क्रोमोसोम ए, वही ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन एक बात हमें समझ में आती है कि क्रोमोसोम के साथ जीन्स का भी ट्रांसफ़र हो चुका है, ए बी सी डी और ई। तो आपको यहाँ पे क्रोमोसोम के साथ ऐसा फील हुआ कि जीन्स भी ट्रांसफ़र हुए हैं। गॉट इट? तो जो जीन्स फ्रॉम जनरेशन वन टू जनरेशन टू में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, इस ऐसे जीन्स को हम कहते हैं लिंक जीन्स। लिंक का मतलब है जुड़े हुए, एक मेक के साथ जुड़े हैं, जैसे कि ए है उससे बी जुड़ा, बी से सी, इससे डी, इससे ई। इससे क्या होता है कि वो साथ में ट्रांसफ़र होते हैं, वो जनरेशन वन से जनरेशन टू में वो साथ में ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसे जीन्स को हम कहते हैं लिंक जीन्स। क्लियर? यस। तो जनरेशन वन से लेकर टू में जो जीन्स साथ में ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम कहते हैं लिंक जीन्स। इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक सेंटेंस को हाईलाइट किया है, इनहेरिट टुगेदर, वो साथ में इनहेरिट होते हैं। ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं अभी। तो लिंक जीन समझ में आया। दिस टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स, दिस टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दैट इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड एज लिंकेज, और इस पैटर्न को हम कहते हैं लिंकेज, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं लिंकेज। जीन्स का नाम क्या था? लिंक जीन्स। लेकिन उसके प्रोसेस का नाम, उनके टेंडेंसी का नाम क्या है? लिंकेज। लिंकेज में क्या रहता है? टू और मोर जीन जो है, जो उसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है,
वो साथ में इनहेरिट होते हैं, साथ में ट्रांसफर होते हैं, इसी का नाम है लिंकेज पैटर्न। ओके बच्चों, लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय द सॉरी लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड इन द प्लांट्स बाय द बैट्सन एंड पुनेट्स। ओके और एनिमल में, एनिमल में बाय टी एच मॉर्गन। ओके अब लिंकेज दो तरह के रहते हैं, एक रहता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। जानते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होते हैं। तो आप ये जो डिस्कवरी उन्होंने बनाई, मतलब बताई है बैट्सन एंड पुनेट, इन प्लांट में उन्होंने खोजा था लिंकेज को, और एनिमल्स में टी एच मॉर्गन। ओके नेक्स्ट बात करते हैं। अभी पहले है बच्चों कंप्लीट लिंकेज, क्या कहना है इनका समझिएगा, व्हाट इज़ कंप्लीट लिंकेज। इसलिए मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये है क्रोमोसोम ए, ठीक है, और इस क्रोमोसोम ए के ऊपर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ए नाम का जीन्स है और ये बी नाम का, ये सी नाम का, ऐसे तीन जीन्स है ए बी सी, ठीक है। ओके या फिर हम ठीक है ए बी सी जीन्स है, और होता क्या है, अब ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र में हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, देर इज़ अ वंस अगेन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ए है, ये था जनरेशन वन, ये है जनरेशन टू, सेम क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हुआ और उसी के साथ ए बी सी तीनों जीन्स भी ट्रांसफ़र हुए। यस, तीनों जीन्स ट्रांसफ़र हुए, जब कंप्लीट 100% जब वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा जीन्स का, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। व्हाट इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज। ओके पढ़ते हैं इसे अब क्या कहा इन्होंने। तो द लिंक जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट। यस, वो कभी सेपरेट नहीं होते, डू नॉट सेपरेट, ऐसे जीन्स कभी सेपरेट नहीं होते एक मिक्स से, क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर एंड इनहेरिट टुगेदर। ऐसे जो जीन्स हैं वो एक मेक से कभी अलग नहीं होते, साथ में ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नो क्रॉस। यू नो मियोसिस जब हुआ था, क्रॉसिंग हुआ था ना, उस वक्त क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्रॉस हुए थे, याद है ना, क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्रॉस हुए थे। हाँ, तो यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं है, इसलिए जीन्स जो है वो साथ में ही ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। दे आर कॉल्ड एज कम्प्लीटली लिंक जीन्स, इसे कहते हैं कम्प्लीटली लिंक जीन्स, एंड फिनोमिना का नाम है, इस कंसेप्ट का नाम है कम्प्लीट लिंकेज। ये तो पता है आपको, लिंक जीन्स का नाम क्या है, कम्प्लीटली लिंक जीन्स, और इस कंसेप्ट का नाम क्या है, कम्प्लीट लिंकेज। दस द पेरेंट ट्रेट्स, जो पेरेंटल ट्रेट्स है, आर इनहेरिटेड इन द ऑफस्प्रिंग। इसलिए जो पेरेंटल ट्रेट है, जैसे कि ट्रेट मतलब आपको पता है, एक तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, एक तो टॉल या फिर डॉर्फ होगा, इससे पेरेंटल ट्रेट, वो इनहेरिट होता है उनके बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे कोई जीन्स है ए बी सी, तो सेम जीन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, उससे क्या होगा, अगर कोई टॉल कैरेक्टर है जो पेरेंट में है, तो सेम टॉल कैरेक्टर जो है वो बच्चों में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला मेल शोज द कम्प्लीट लिंकेज। ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, मक्खी का नाम है ये ड्रोसोफिला, इट्स एन इंसेक्ट। उस इंसेक्ट का जो एक्स क्रोमोसोम है, उस इंसेक्ट का जो एक्स क्रोमोसोम है, ओके स्पेशली मेल में, तो वहाँ पे होता है ये कंप्लीट लिंकेज, जिसके जो जीन्स हैं एक्स क्रोमोसोम पे, ये जो एक्स क्रोमोसोम है उसके जो जीन्स है वो सभी के सभी ट्रांसफ़र होते हैं सेकेंड जनरेशन में, ये उन्होंने कहा। गॉट इट? ओके क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसके अपोज में होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें क्या होता है, इसमें सीधी सी बात है, ये क्रोमोसोम रहेगा, क्रोमोसोम ए करके हमने टाइप लिखा इसका, यहाँ पे लिखते हैं क्रोमोसोम ए, मतलब सेम क्रोमोसोम। ओके जनरेशन वन, यहाँ लिखते हैं जनरेशन टू, ठीक है। अब यहाँ पे जीन्स है वो थोड़े दूर दूर रहते हैं,
ए यहाँ पे रहता है, बी यहाँ पे रहता है, सी यहाँ पे रहता है। मैंने पहले कहा ये जीन्स दूर दूर है, इसके पहले जो जीन्स थे वो नज़दीक थे, यहाँ पे जीन्स अलग अलग है, ए है, बी है और सी है। गॉट इट? ओके। जब एक मेक से दूर है वो। अब ऐसे केस में क्या होता है समझिएगा, ये मुझे इरेज करना था यहाँ पे। ऐसे केस में क्या होगा प्रॉपर समझिएगा, वामिट पूरा इरेज होगा वो। तो हमने यहाँ पे सी एच आर क्रोमोसोम ड्रॉ किया था, ए ये थी हम जनरेशन वन, क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हुआ था, ये है सी एच आर क्रोमोसोम ए है ना, जनरेशन टू में आया। यहाँ पे जीन्स थे ए बी सी, एक मेक से थोड़ा दूर है ये। जब ट्रांसफ़र हुआ जनरेशन टू में तो एक ही जीन्स ट्रांसफ़र हुआ वो है बी, एक ही जीन्स ट्रांसफ़र हुआ बी, बाकी जीन्स ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 100% ट्रांसफ़र नहीं हुआ, 100% ट्रांसफ़र हम यहाँ पे लिखते ना, नो 100% नो लिखा मैंने, नो 100% ट्रांसफ़र, सिर्फ बी ट्रांसफ़र हुआ। क्योंकि ये जीन्स थोड़े एक मेक से दूर रहते हैं, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि अगर ये क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो जीन्स रहते हैं वो बहुत अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। पहली बात तो ये समझ में आया। दूसरी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे क्रॉसिंग हो चुका है, क्या हो यहाँ पे क्रॉस, यस ऐसे केस में मियोसिस में क्रॉसिंग होता है। पता है आपको क्रॉसिंग क्या रहता है? क्रॉसिंग का मतलब होता है कोई एक क्रोमोसोम, जैसे कि एक क्रोमोसोम है या फिर इस तरह ड्रॉ करते, ये क्रोमोसोम है ये दूसरे क्रोमोसोम से क्रॉस हो रहा है, या फिर हम कुछ अलग कलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, समझिएगा ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ऐसे दूसरे क्रोमोसोम से क्रॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इसे हम क्रॉसिंग कहते हैं, वन क्रोमोसोम क्रॉस विद अदर क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे क्रॉसिंग हो गई है इसलिए वो अलग अलग हुए। सो क्या कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, द लिंक जीन्स विच आर डिस्टेंटली लोकेटेड, मतलब है दूर दूर रहते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक मेक के दूर रहते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, एंड हैव अ चांस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से चांस है कि वो अलग अलग हो जाएंगे एक मेक से। इट इज़ नोन एज इनकम्प्लीटली लिंक जीन्स, और इस फिनोमिना का नाम है इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, एंड द न्यू ट्रेट ऑकर इन ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे ऐसा नया ट्रेट बनेगा ऑफस्प्रिंग में, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कैरेक्टर बच्चे में नहीं जाते, पेरेंटल कैरेक्टर अगर बच्चे में नहीं जाते तो यहाँ पे नया ट्रेट ही बनना है बच्चे के अंदर। जैसे कि ये क्रोमोसोम ए है, जनरेशन वन है, और यहाँ पे क्रोमोसोम ए है, जनरेशन टू है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मान लेते हम दो जीन्स है, अभी दो जीन्स ड्रॉ करते, एक मेक से दूर आपको दिख रहा है जीन्स, एक मेक से दूर है, एक ही जीन्स गया मान लीजिए ए गया, तो यहाँ पे फिर जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो नहीं आएगा, यहाँ पे एक नया ट्रेट बनेगा, एक न्यू ट्रेट है ना। यस, पेरेंटल में जैसे कैरेक्टर थे वहाँ पे ऐसे नहीं आएंगे अब यहाँ पे, क्लियर। इसका एग्जांपल है इन मेज, इन जी मेज, कलर ऑफ एंड द कलर एंड द शेप ऑफ द ग्रेन शोज इनकम्प्लीट लिंकेज। जी मेज आपको पता है प्लांट है ये, इसमें जो कलर है और शेप है ग्रेन का वो इनकम्प्लीट लिंकेज में, वहाँ का वो एग्जांपल है। ओके, स्पेशली कलर और शेप का, समझ में आया। तो ये रहा इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इस तरह हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में। तो मैं आपको लास्ट एक जानकारी दूँ इनके बारे में, और मतलब जानकारी तो पुरानी है, ये क्रोमोसोम जो है ये कंप्लीट का है, ये क्रोमोसोम जो है वो इनकम्प्लीट का है। इससे मैं कंप्लीट और इसे मैं इनकम्प्लीट कहूँगा। इसका वजह यह है कि यहाँ के जो जीन्स हैं वो नज़दीक रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो जीन्स हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं इनकम्प्लीट में, क्रोमोसोम में। समझ में आया आपको? यस, इनका डिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है, इनका डिस्टेंस काफ़ी दूर है। यहाँ पे नो क्रॉस, यहाँ पे क्रॉसिंग, ऐसा रहता है ये, क्लियर। ओके, तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी इनसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो हम डिस्कस करेंगे
जूम मीटिंग में। ओके।